हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा आज की जो रेसिपी लेके आई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। थोड़ी सी मेहनत है पर ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप किसी खास टाइम पे बना सकते हैं, जैसे कुछ पार्टी वार्टी हो, कुछ छोटा मोटा कुछ हो, तो आप ये सब्जी ज़रूर बना सकते हैं मेहमान के लिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। चलिए इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं 4 आलू। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की स्टफिंग सब्जी, और ये बहुत अच्छी बनती है। तो आलू स्टफिंग सब्जी बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं। इसको हम काट लेंगे बीच में से, कुछ इस तरह से काट लेते हैं। आप अपने फैमिली के देख के, किसी के परिवार में छोटे परिवार होते हैं, बड़े परिवार होते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पर मैंने जितने आलू लिए हैं कम से कम 2-3 बंदे खा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे आलू उठा लेंगे। आलू उठा के हमें बीच में से इसको हॉलो करना है, ऐसे करके, ऐसे करके। आप ध्यान दें, इस तरह से इसको हॉलो करना है। चाकू से भी कर सकते हैं आप, चाहे चम्मच से भी कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत अच्छे से ये हॉलो हो जाते हैं। अंदर तक करना है हमें, और ध्यान देना है कि ये साइड के आलू कटे ना। हमने सारे हॉलो बना के तैयार कर लिया है। मेरे ख्याल से आप ना इसी आलू छिलनी से कीजिएगा, ये बहुत अच्छा हॉलो बना रहा है, और जिससे आपको कंफर्टेबल हो, पर मुझे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत अच्छा हॉलो बन गया। अब इसके अंदर जो हम स्टफिंग भरेंगे वो तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं 150 ग्राम पनीर, फ्रेश पनीर ले लीजिएगा। अब इसको अच्छे से हम हाथ से तोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से इसको चूरा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर जो मैंने कूट ली है, हल्की सी रफली, आप चाहिए तो पाउडर डाल भी सकते हैं। थोड़ी सी नमक डालेंगे छोटी आधी चम्मच, और इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया। अब इसको अच्छे से मिला के अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे भरना है। अच्छे से मिला लेना है स्टफिंग को, ताकि नमक और मसाले इसमें सब में बराबर लग जाए। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। तो एक आलू लेंगे, ऐसे ले लेंगे, और इसको अंदर तक भरेंगे दबा दबा के। पनीर को बाहर नहीं आने देंगे, अच्छे से भर लेना है ऐसे करके। ये देखिए, और एक दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे करके दबा के पनीर को अंदर तक भर लेना है। इस तरह से सारा स्टफिंग हम भर के तैयार कर लेते हैं। हमने आलू को भर के तैयार कर लिया है। अब आलू जो हमने भरा है उसको हमने सैलो फ्राई करनी है। तो आप सोच रहे होंगे सैलो फ्राई कैसे करेंगे, तो वो सारा निकल जाएगा, तो उसका भी तोड़ है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, 2 चम्मच बेसन या फिर 2 चम्मच मैदा ले लेंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे, एक अच्छे सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। ऐसा थिकनेस इसे चाहिए, बिल्कुल इससे पतला नहीं, इसे मोटा चलेगा पर इससे पतला नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक आलू ले लेंगे, इसके ऊपर से हम लेप लगा देंगे इसको अच्छे से, ताकि हम इसको जब फ्राई करें ये निकले नहीं बाहर। इस तरह से मोटे मोटे लेयर पे हम इसका
इस तरह से लेप लगा देंगे, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। अभी सैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर उतना तेल यूज़ नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा तेल यूज़ करेंगे। तो इसको सैलो फ्राई करेंगे। ये हमने इस तरह से सारा लगा के तैयार करनी है। ये देखिए, हमने एक तवा ले लिया है और इसमें हमने तेल डाल दिया है 2 से 3 चम्मच। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ऐसे रख के हर 2 से 3 मिनट में इसको घुमाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, उलट पुलट करके इसको सेकना है अच्छे से, जब तक से इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, कलर एकदम रेड कलर ना आ जाए, ब्राउन कलर, तब तक हम इसको ऐसे घुमा घुमा के और ढक के हर दो से तीन मिनट में इसको चलाएंगे। अब ये हमारे आलू इधर फ्राई होते रहेंगे। अब हम इसके लिए मसाला बनाना तैयार करें। चलिए, एक तरफ हमारा आलू फ्राई हो रहा है तो एक तरफ हम अपना मसाले के लिए तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सारे मसाले को, मतलब हम जितने भी प्यूरी बनाने के लिए चीज़ ले रहे हैं तो उसको सारे हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे। आप तो कच्चे भी उसको प्यूरी बना सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ उसकी फ्लेवर और अच्छा हो, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सब चीज़ को सॉटे कर लेते हैं। मैं लिए हैं 2 प्याज, तीन से चार हरी मिर्ची और 4 टमाटर, 2 टुकड़ा अदरक का 2 इंच और 10-12 लहसुन और 10-12 काजू। अब इसको हल्का सा हम सॉटे करेंगे, जैसे थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर हम इसका अच्छा सा एक फाइन प्यूरी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारा ये प्याज और सारा ये जो है सब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। गैस को ऑफ करते हैं क्योंकि इसको बाद में फिर से पकाना ही है। अब देख लेते हैं हमारा आलू कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए, आलू भी हमारे अच्छे तरह से फ्राई हो रहे हैं और देखिए कलर हो गया चेंज। तो इसको जब भी आप चेंज करें, 2 पैचुला चाहिए होगा ऐसे पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए। और ये मीडियम फ्लेम में ही फ्राई हो रहे हैं तो हल्के हल्के होने वाले हैं, अभी हो रहे हैं तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, तो मैं ढक के इसको करती हूँ, तब तक हम जो मसाले हमने तैयार कर रखे उसकी प्यूरी बना लेते हैं। चलिए, हम अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और हमने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में अब तेल डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच, क्योंकि इस सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा चाहिए होता है, हल्का सा, पर आप डिपेंड है आपके ऊपर, आप थोड़ा सा कम डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कम डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्पाइसेस, एक तेज़पत्ता डाल देती हूँ मैं, उसे तोड़ के डालना सही रहता है। और इसमें डाल देंगे, एक डालेंगे दालचीनी छोटा सा, और 4 लौंग है, 4 काली मिर्च, और इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे, पर इसको तोड़ के इस तरह से इसके दाने निकाल के डालेंगे, ताकि इसकी जो फ्लेवर है ना, जब हम खाएंगे तो मुंह पे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है और ये बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। ये हमने डाल दिए सारे मसाले, थोड़ा सा इसको भून जाने देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा स्पाइसेस ये भुन गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, छोटी आधी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर करीब 2 चम्मच छोटी वाली। अब इसको मिला लिया, जल्दी जल्दी मिला लेंगे ताकि हमारा मसाला कहीं जल ना जाए। ये अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पीसी हुई जो प्यूरी तैयार करके रखी है, अब वो डाल देंगे। ये सारे अच्छे से निकाल लेते हैं और हम डाल देते हैं। चलिए, हमें इसको पकाते पकाते 5 से 6 मिनट हो गए और बीच बीच में मैंने चलाया भी है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसका तेल अलग हो गया है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये
ये मसाला बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। अब इसको एक बार से चला लेते हैं और बहुत अच्छी फ्लेवर भी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगा आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थिक हो जाता है। और एक मग डाल देते हैं, टोटल 2 मग पानी, क्योंकि इसको हमें 5 से 6 मिनट 10 मिनट इसको कम से कम हमें इसको दम लगा के पकाना है पूरा लो फ्लेम में। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ताकि इसकी फ्लेवर और अच्छा हो जाए, थोड़ा सा हाथ में से। अब हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी आलू, ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई थी ये आलू। अब हम डाल देते हैं सब इसमें एक एक करके। अब इसको बिल्कुल ही धीमी आंच पे हम इसको ढक के पकाएंगे 10 मिनट तक, तब तक इसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा आलू में और बहुत अच्छी बनके सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देते हैं ऊपर से। अब इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम में ढक के हम पकाएंगे 10 मिनट तक। फ्रेंड्स, हमारे सब्जी बन गए हैं भरवा वाला आलू और ये बहुत अच्छी बनके, बहुत अच्छी इसकी जो खुशबू जो जायका इतनी अच्छी आ रही है, मेरे घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और गैस को मैं बंद कर देती हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मज़ेदार मस्त वाली हमारी आलू भरवा की सब्जी बनके तैयार हो गई। ये देखिए मस्त, मैंने इतने ही ग्रेवी में मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको हमने दम लगा के पकाया है, तो ये सब्जी इतनी अच्छी इतनी टेस्टी, इसको चावल के साथ रोटी के साथ कैसे भी आप इसको खा सकते हैं। और मैंने ग्रेवी इतनी रखी, बाकी थोड़ा सा ग्रेवी थिक हो जाती है बाद में ठंडे होने के बाद। ये लीजिए मेरी आज की रेसिपी तो हो गई तैयार, इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ धनिया से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की जो ये भरवा आलू वाली सब्जी आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।